जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे झारखंड राज्य के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि झारखंड राज्य कब बना था। तो झारखंड राज्य जो है 15 नवंबर पूरा पूरी 2000 ईस्वी में बना था। और ये किससे टूटकर बना है, तो ये अपना बिहार राज्य से टूटकर झारखंड अलग हुआ है 15 नवंबर पूरा पूरी 2000 ईस्वी को। अब कह देगा कि वहाँ का जो राजधानी है वो कहाँ है, तो झारखंड राज्य की राजधानी रांची है। झारखंड राज्य की राजधानी रांची है। और झारखंड राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो झारखंड राज्य का उच्च न्यायालय भी रांची में है। अब कह देगा कि उच्च न्यायालय जो वो है वो कौन सा क्रम का है, तो ये पूरे भारत में 21वें नंबर पर आता है। 21वें नंबर पर झारखंड राज्य का उच्च न्यायालय जो रांची में है 21वें नंबर पर पूरे भारत में आता है। अब कह देगा कि झारखंड राज्य का मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन है, झारखंड राज्य का मुख्यमंत्री कौन है, तो झारखंड राज्य का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। झारखंड राज्य का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। और झारखंड राज्य का राज्यपाल कह देगा कि कौन है, तो झारखंड राज्य का जो राज्यपाल हैं वो रमेश बैस हैं। वर्तमान में झारखंड राज्य का राज्यपाल कह देगा तो रमेश बैस हैं। अब कह देगा कि प्रथम राज्यपाल कौन है, झारखंड राज्य का प्रथम राज्यपाल कौन है, तो प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार हैं झारखंड का। आ कह देगा कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन है झारखंड राज्य का, तो बाबूलाल मरांडी हैं। प्रथम मुख्यमंत्री झारखंड राज्य का बाबूलाल मरांडी हैं। कह देगा कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो झारखंड का तो बाबूलाल मरांडी हैं। कह देगा कि झारखंड का राज्य का राजधानी कहाँ है, तो रांची है। और झारखंड राज्य का उपराजधानी दे गया कि कौन सा है, झारखंड राज्य का उपराजधानी कौन सा है, तो दुमका है। उपराजधानी कह देगा झारखंड राज्य का तो दुमका है। और औद्योगिक क्षेत्र जो राजधानी है, इंडस्ट्रियल कैपिटल कौन सा है, तो इंडस्ट्रियल राजधानी है तो वो जमशेदपुर है। झारखंड राज्य का इंडस्ट्रियल राजधानी कौन सा है, जमशेदपुर है। अब कह देगा कि झारखंड राज्य में कितने विधानसभा हैं, झारखंड राज्य में कितने विधानसभा हैं, तो विधानसभा टोटल 82 हैं। अब कह देगा कि झारखंड राज्य में लोकसभा की सीट कितनी है, झारखंड राज्य में लोकसभा की जो सीट हैं टोटल 14 हैं। और राज्यसभा की सीट कितना है, तो राज्यसभा की सीट टोटल 6 हैं। अब कह देगा कि वहाँ पर जो झारखंड राज्य हैं वहाँ पर प्रमंडल कितने हैं, प्रमंडल टोटल पाँच हैं। झारखंड राज्य का कह देगा जिला टोटल 24 हैं। आ गठन के समय कितने जिले थे झारखंड में, तो वो 18 थे। उस समय टोटल जिले 18 थे झारखंड में। आ वर्तमान में जो जिले हैं झारखंड में टोटल 24 जिले हैं। अनुमंडल कह देगा झारखंड राज्य में अनुमंडल कितना है, टोटल 33 हैं। झारखंड राज्य में प्रखंड पूछ देगा कितना है, तो झारखंड राज्य में जो प्रखंड है टोटल 211 हैं। अनुमंडल 33 और प्रखंड 211 हैं। अब कह देगा झारखंड राज्य में पशु जो राजकीय पशु है वो कौन सा है, झारखंड राज्य में राजकीय पशु हाथी है। झारखंड राज्य में राजकीय जो पशु है वो कौन सा है, हाथी है। झारखंड राज्य में राजकीय पक्षी दे देगा
राजकीय पक्षी कह देगा तो कोयल है। झारखंड राज्य में राजकीय पक्षी कह देगा तो कोयल, राजकीय पशु कह देगा तो हाथी। और झारखंड राज्य में राजकीय जो वृक्ष है वो कौन सा है? झारखंड राज्य में राजकीय वृक्ष कह देगा तो साल का वृक्ष है, साल का वृक्ष है। झारखंड राज्य में राजकीय पुष्प दे देगा तो कौन सा है? पलाश है। झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प दे देगा तो पलाश है। झारखंड राज्य का पुष्प पलाश है। कह देगा, अब कह देगा कि झारखंड राज्य का क्षेत्र जो है वो पूरे भारत में कौन सा स्थान पर आता है? तो 15वें स्थान पर झारखंड का जो क्षेत्र है 15वें स्थान पर आता है। 15वें स्थान पर झारखंड राज्य का क्षेत्र आता है। अब 12वें स्थान पर बिहार का आता था, 12वें स्थान पर बिहार आता था, ठीक। अब कह देगा झारखंड राज्य में, झारखंड राज्य में कह देगा झारखंड राज्य का जो क्षेत्रफल है, झारखंड राज्य का टोटल क्षेत्रफल कितना है, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। झारखंड राज्य में जो क्षेत्रफल है टोटल 79714 यानी 79,714 किलोमीटर है। झारखंड राज्य में टोटल क्षेत्रफल जो है 79,714 किलोमीटर है, 14 किलोमीटर पर वर्ग स्क्वायर है, 14 किलोमीटर स्क्वायर है। झारखंड राज्य की टोटल जो क्षेत्रफल है 79,714 किलोमीटर स्क्वायर है। अब कह देगा कि यहाँ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला कह देगा तो पश्चिमी सिंहभूम है। पश्चिमी सिंहभूम क्या है? सिंहभूम जिला जो है ये सबसे बड़ा जिला है। और सबसे छोटा जिला कह देगा कि कौन सा है? तो सबसे छोटा जिला इसका रामगढ़ है, सबसे छोटा जिला रामगढ़ है। और सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम है, पश्चिमी सिंहभूम है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए कह रहा है कि झारखंड भारत का क्षेत्रफल में की दृष्टि से 15वां सबसे बड़ा राज्य है। अभी बता चुके हैं, कह रहा है कि जो 24 जिलों में विभाजित है, कितने जिलों में? 24 जिलों में विभाजित है। आप पहले जो गठन हुआ था उस समय झारखंड राज्य में कितने जिले थे? तो टोटल 18 जिले थे, टोटल 18 जिले थे। अब कह रहा है कि सबसे छोटा बड़ा जिला जो है क्षेत्रफल से वो कौन सा है? तो पश्चिमी सिंहभूम है, पश्चिमी सिंहभूम है। अब कह देगा कि सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो रामगढ़ है, रामगढ़ है। और झारखंड की राजधानी रांची है, झारखंड की राजधानी रांची है। उपराजधानी कह देगा तो उपराजधानी कहेगा तो दुमुक है, दामुक है, उपराजधानी दामुक है। और कह देगा कि जो वहाँ का इंडस्ट्रियल राजधानी है तो जमशेदपुर है, इंडस्ट्रियल राजधानी कह देगा तो जमशेदपुर है। चलिए आगे हम लोग इसको देखते हैं, आगे हम लोग इसको जानने का और बढ़िया से प्रयास करते हैं। कौन सा क्षेत्र कहाँ पड़ता है उसके बारे में जान लेंगे, कौन सा जिला कहाँ पड़ता है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि पहला इसमें टोटल 24 जिला था, टोटल 24 जिला था, टोटल 24 जिला। तो पहला कह रहा है पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। दूसरा सरायकेला खरसावा, दूसरा सरायकेला खरसावा। तीसरा पश्चिमी सिंहभूम, तीसरा पश्चिमी सिंहभूम। चौथा सिमडेगा, चौथा सिमडेगा। पांचवा गुमला, पांचवा गुमला। छठा कहेगा तो खूंटी, छठा कहेगा तो खूंटी। सातवा कहेगा तो रांची, सातवा रांची जिला। आठवा लोहरदगा, लोहरदगा। नौवा लातेहर जिला। दसवा गढ़वा जिला। ग्यारहवा है पलामू जिला है। बारहवा है चतरा जिला है। तेरहवा कहेगा तो रामगढ़ जिला है। चौदहवा बोकारो जिला है। पंद्रहवा हजारीबाग जिला है। सोलहवा कोडरमा जिला है। सत्रहवा गिरिडीह जिला है। अठारहवा धनबाद जिला है। उन्नीसवा जमताड़ा जिला है। और बीसवा कह देगा तो देवघर जिला है।
और ये दुमका जिला बोले है, ये सबसे क्या है उपराजधानी वाला जिला माना जाता है। कौन सा उपराजधानी कह देगा झारखंड का, तो दुमका जिला। और पाकुंड जो है ये 22वां जिला, 23वां जिला गोड्डा जिला, और चौथा 24वां जो है साहिबगंज जिला है। तो देखिए कौन कौन कहाँ है, पहले इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है सबसे ऊपर में गढ़वा जिला, गढ़वा जिला यहाँ पर दिया है। ये जो बिहार के क्षेत्र ऊपर वाला होता है, और ये नीचे वाला देखिएगा तो ये जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है या दक्षिण क्षेत्र जो है, तो ये हमारा उड़ीसा राज्य आता है। ये क्या आता है, उड़ीसा राज्य आता है। और इधर का जो गढ़वा वाला क्षेत्र है, इधर छत्तीसगढ़ आता है, छत्तीसगढ़ आता है। ये सिमोगा सिमडेगा लिखा है, ये गढ़वा जिला सिमडेगा जिला, तो इधर छत्तीसगढ़ आता है। कह देता है कि जो झारखंड राज्य है ये कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, टोटल 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। टोटल 5 राज्यों से सीमा साझा करता है, कौन, झारखंड। झारखंड कौन कौन, तो देखिए इसमें 5 राज्य कौन कौन सा आएगा, तो पहला ऊपर में बिहार आएगा, ऊपर में ये जो क्षेत्र है ये बिहार है, अपना बिहार है। नीचे वाला क्षेत्र जो इधर दिख रहा है तो ये अपना बिहार हो गया, ऊपर नीचे जो है ये उड़ीसा हो जाएगा, नीचे उड़ीसा हो जाएगा। इधर देखिए, इधर जो नीचे वाला ये उड़ीसा हो जाएगा, और ये पूर्वोत्तर क्षेत्र जो आएगा ये पश्चिम बंगाल आएगा, पश्चिम बंगाल। पूर्वोत्तर क्षेत्र कहेगा तो पश्चिम बंगाल झारखंड के, उत्तर में कहेगा तो बिहार, और ये दक्षिणी क्षेत्र जो है उड़ीसा में आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा तो ये जो उत्तर और पश्चिम क्षेत्र जो है ये उत्तर प्रदेश से सटता है, उत्तर प्रदेश से सटता है। और ये जो देश जो नीचे वाला पार्ट है तो ये छत्तीसगढ़ से सटता है, नीचे वाला पार्ट छत्तीसगढ़ से सटता है, और ऊपर वाला पार्ट पश्चिमी क्षेत्र में कह देगा ऊपर वाला पार्ट उत्तर प्रदेश से और नीचे वाला छत्तीसगढ़ से। तो टोटल ये 5 राज्य से सीमा साझा करता है। पहला बिहार, पहला बिहार, दूसरा उत्तर प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा कह देगा तो उड़ीसा, चौथा उड़ीसा, और पांचवा कह देगा तो पश्चिम बंगाल, पांचवा पश्चिम बंगाल। तो ये 5 राज्यों से सीमा साझा करता है, कौन, झारखंड राज्य, झारखंड राज्य। इसको बढ़िया से जान लेते हैं कि कौन सा जिला किस लिए प्रसिद्ध है, थोड़ा बहुत इसके बारे में भी हम लोग जानकारी ले लेते हैं। ठीक, तो जो इसमें मेन इम्पोर्टेंट है उस जिले के बारे में थोड़ा सा चर्चा बढ़िया से करेंगे। देखिए यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं पश्चिम से पूरब की ओर जाने के लिए। तो पहला जिला दिया है गढ़वा जिला, गढ़वा जिला कह देगा कि किस क्षेत्र में पड़ता है, तो गढ़वा जिला झारखंड के पश्चिम में क्षेत्र जो है गढ़वा जिला पड़ता है, उत्तर और पश्चिम में। ये उत्तर प्रदेश से साझा करेगा, ये उत्तर प्रदेश से साझा करेगा। उसके बाद जो है पलामू आता है, जो रोहतास से साझा करता है अपने बिहार जिला जो है, रोहतास जिला से। फिर आता है उसके बाद बिहार से ये सटा हुआ देख लेते हैं, चतरा आता है, चतरा के बाद हजारीबाग आएगा, हजारीबाग के बाद ये रेड कलर का जो दिया हुआ है ये कोडरमा है, कोडरमा के बाद गिरिडीह आता है। जस्ट पूरब जा रहे हैं तो कोडरमा के बाद गिरिडीह, गिरिडीह के बाद देवघर, देवघर के बाद दुमका दिया है, दुमका दिया है, देवघर के बाद दुमका दिया है। यही दुमका बोले हैं कि ये उपराजधानी है, कहाँ, क्या, झारखंड राज्य का। अब कह रहे हैं गोड्डा, गोड्डा आएगा ऊपर में, गोड्डा के ऊपर साहिबगंज, साहिबगंज के बाद ये पूर्वोत्तर क्षेत्र जो होगा पाकुड़ होगा, पूर्वोत्तर क्षेत्र जो होगा पाकुड़ होगा। अब कह रहा है इसके जस्ट नीचे देखिएगा लातेहर है, लातेहर के जस्ट नीचे देखिएगा तो लोहरदगा है, लोहरदगा है। दगा के बाद देखिएगा तो झारखंड है, रांची है, रांची के जस्ट नीचे देखिए ऊपर देखिएगा तो रामगढ़, रांची के कह देगा कि किस भाग में रामगढ़ है, तो रामगढ़ ऊपर में है, और ऊपर में रामगढ़ है, रामगढ़ के जस्ट सटा हुआ बोकारो आता है, बोकारो के जस्ट सटा हुआ धनबाद आता है, धनबाद के बाद जामताड़ा आता है। नीचे देखिए उसके नीचे है यहाँ पर गुमला, गुमला के बाद सिमडेगा, सिमडेगा नीचे है, कह देगा कि सिमडेगा सबसे नीचे है, उसके ऊपर है गुमला, गुमला। उसके पूरब में देखेंगे तो खूंटी है, पश्चिमी सिंहभूमि है, और रांची हिले है,
अब कह रहा है कि ये है आपका सरायकेला खरसावां, और उसके जस्ट पूरब में देखिएगा तो पूर्वी सिंहभूम है, पूर्वी सिंहभूम है। तो देखिए पहला हम लोग जानेंगे, पहला इसमें देखेंगे कि जो कोडरमा है ये क्या है, कोडरमा है। कोडरमा ये एक पठार वाला भाग है, कोडरमा जो है झारखंड में पठार वाला भाग को कोडरमा कहते हैं। कोडरमा में क्या मशहूर है तो कोडरमा में अबरख जो होता है, अबरख के लिए कोडरमा जाना जाता है, अबरख के लिए कोडरमा जाना जाता है। अब कह देगा कि देवघर, देवघर बाबा शिव की नगरी है। देवघर क्या है, देवघर क्या है, बाबा शिव की नगरी है, क्योंकि हर साल सावन में यहाँ पर क्या होता है, जल चढ़ाने के लिए सभी लोग जाते हैं, जल चढ़ाने के लिए देवघर में जाते हैं। यही बाबा देवनगर नगरी जो है ये कहाँ पड़ती है, देवघर झारखंड में, झारखंड में देवघर पड़ती है, झारखंड के उत्तरी पूर्वी भाग में देवघर पड़ती है जो बिहार से सटा हुआ है। ठीक, अब कह देगा दुमका बता दी है ये उपराजधानी है झारखंड का। अब कह देगा कि जमताड़ा, जमताड़ा, जमताड़ा किस लिए मशहूर है, तो जमताड़ा हाल ही में करेंट अफेयर्स में आया था कि कह देगा कि हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला, हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला कौन सा जिला है, जामताड़ा जिला है, और हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला अपना बिहार पूर्णिया है, हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला अपना बिहार पूर्णिया है जिला। और कह देगा कि हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला कौन सा, लाइब्रेरी खोलने वाला, तो जामताड़ा जिला क्या होगा, झारखंड हो जाएगा। अब कह रहा है धनबाद, धनबाद ये खनन अनुसंधान केंद्र है, धनबाद जो है ये खनन अनुसंधान केंद्र है। ठीक, धनबाद। अब कह देगा कि यही कोयला का क्षेत्र है, कोयला का क्षेत्र क्या है, धनबाद है, कोयला का क्षेत्र धनबाद है। बोकारो, बोकारो के बारे में जान लेते हैं, बोकारो जो है, बोकारो यहाँ पर स्टील प्लांट लगा है, क्या लगा है, स्टील प्लांट लगा है, कहाँ पर, बोकारो में, बोकारो में स्टील प्लांट लगा है, किसके मदद से, किस देश के मदद से, तो रूस के देश के मदद से, रूस देश के मदद से बोकारो में स्टील प्लांट लगा हुआ है, स्टील प्लांट लगा हुआ है। रामगढ़ बता दिए हैं, सबसे छोटा जिला रामगढ़ है जो रांची के जस्ट ऊपर में है, सबसे छोटा जिला रामगढ़ है जो रांची के जस्ट ऊपर में है। अब दे देगा कि रांची, रांची के बारे में जान लेते हैं, रांची राजधानी है, रांची राजधानी है, रांची क्या है, झारखंड की राजधानी है। यहाँ पर रांची में, रांची से कर्क रेखा गुजरती है, रांची से क्या होती है, कर्क रेखा गुजरती है, रांची से कर्क रेखा जो है वो गुजरती है, ऊपर में जो कर्क रेखा है नीचे में हो जाता है मकर रेखा, और बीच में होता है विषुवत रेखा, आप लोग जानते ही हैं, बीच में हो जाता है विषुवत रेखा। लेकिन कर्क रेखा देगा कि किस राज्य, किस राज्य की राजधानी से होकर गुजरती है, कर्क रेखा दे देता है कि किस राज्य की राजधानी से होकर गुजरती है, तो ये रांची से होकर गुजरती है। अगला देखते हैं, अगला कह देता है यहाँ पर, अगला जो जिला देता है, अगला यहाँ पर पश्चिमी सिंहभूम देता है, पश्चिमी सिंहभूम देता है, और यहाँ पर पूर्वी सिंहभूम देता है। तो पूर्वी जो सिंहभूम है ये जाना जाता है, इसका जो मुख्यालय है जमशेदपुर है, जमशेदपुर मुख्यालय है किसका, पूर्वी सिंहभूम का, पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय जमशेदपुर है, पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय जमशेदपुर है, और पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय जो है ये चाईबासा है, चाईबासा, चाईबासा। कह देगा कि पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय कहाँ है, चाईबासा है, और पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय कहाँ है, तो जमशेद, जमशेदपुर है, जमशेदपुर है, जमशेदपुर ये भी विख्यात रहता है पूर्वी सिंहभूमि में, सिंहभूम में जमशेदपुर हमेशा विख्यात रहता है। देखिए यहाँ पर जो जो कह देगा कि बस स्टेशन का नाम रखा गया है, ये जमशेदपुर रखा गया है, बस स्टेशन का नाम जमशेदपुर रखा गया है, जबकि रेलवे स्टेशन का नाम यहाँ पर क्या रखा गया है, रेलवे स्टेशन का नाम टाटा के नाम से जाना जाता है, रेलवे स्टेशन का नाम टाटा के नाम से
जाना जाता है? रेलवे स्टेशन का नाम टाटा के नाम से जाना जाता है। रेलवे स्टेशन का नाम टाटा के नाम से जाना जाता है। कहां पर? पूर्वी सिंहभूम में, जो जिसका मुख्यालय जमशेदपुर है। और ये बस जो है, बस का वहां पर बस स्टेशन जो है पूर्वी सिंहभूम में, उसको जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है, जबकि रेलवे स्टेशन का नाम टाटा के नाम से जाना जाता है। रेलवे स्टेशन का नाम टाटा के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्यालय पूर्वी सिंहभूम का जमशेदपुर है। अब कह देगा कि पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम किस लिए जाना जाता है? तो पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय कहाँ है? चाई बासा है, चाई बासा है। पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय कह देगा कहाँ है? तो चाई बासा है। अब देखिए, एक छूट रहा है हम लोग का, ये हजारीबाग, हजारीबाग, हजारीबाग क्या हो रहा है, छूट रहा है। हजारीबाग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ये क्या मशहूर है। तो हजारीबाग हिस्ट्री से संबंधित है। कह देता है कि 1942 ईस्वी में, देखिए ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता रहता है। कह देगा कि 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में आंदोलन कब हुआ था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। उस समय जेल में कौन थे? हजारीबाग के जेल में कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। जैसे हजारीबाग में जैसे जेल और जैसे जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण कहाँ थे? हजारीबाग के जेल में थे, हजारीबाग के जेल में थे। कौन? जयप्रकाश जो नारायण थे, ये हजारीबाग के जेल में कैद थे 1942 के समय, भारत छोड़ो आंदोलन उसी समय 1942 में क्या हुए, वहां से फरार हुए थे, वहां से भाग गए थे जेल से। कौन भागे थे? हजारीबाग से, तो जयप्रकाश नारायण। आज का क्वेश्चन जो जिससे रिलेटेड था हम लोग पढ़ लिए दोस्तों। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।